हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी ने मुझे प्रीवियस कमेंट्स में कहा था कि आप जल्दी ही पेपर की प्रिपरेशन शुरू कराई है, तो मैं आपके सामने एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं शुरुआत रीजनिंग सेक्शन से करूँगा और इसमें मैं 30 क्वेश्चन शुरुआत में बताऊँगा और उस 30 क्वेश्चन में आपको कम्प्लीट हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह का लेवल एग्ज़ाम में आने वाला है। और आने वाली वीडियोस में भी मैं जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश सेक्शंस के भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी हासिल करनी हो तो आपको तुरंत इसका पता चल जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। आप पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए ताकि आप अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन्स अनचेंज वेन दे आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पे ब्रेक्स एक वर्ड दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, यानी ए बी सी डी के क्रम में अरेंज किया जाए, तो कितने लेटर हैं जो अपना स्थान नहीं चेंज करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन एक है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 2 एंड चौथा है 4। तो आपको इसमें बताना होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इसका सलूशन कुछ इस तरह है, बी आर ए के ई एस, अगर इसको हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो बनता है ए बी ई के आर एस। आप एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल की ये जो सीरीज़ है ये आप लिख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जेड तक पूरा लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम या फिर कोडिंग डिकोडिंग के जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 2 होगा, क्योंकि के और एस जो है वो अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखिए 2 की जगह 3 लिखा है और तीसरा ऑप्शन की जगह 2 लिखा है, तो आप इसको एकदम ध्यान से इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ सर्टेन कोड इफ बैड इज रिटन एज वाई जेड डब्ल्यू एंड सेड इज रिटन एज एच जेड आर डब्ल्यू देन लाइफ विल बी रिटन एज। तो ये भी एक तरीके से कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है और इसके चार ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे इसका सोल्यूशन है, अगर बैड को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे वाई आ रहा है, यानी कि अब हम इससे अगर मैच करते हैं तो बी जो लेटर है वो ए के बाद है, यानी कि एक लेटर के बाद बी आ रहा है। आगे से जब हम चल रहे हैं तो पीछे से अगर हम चल रहे हैं तो Z के बाद Y आ रहा है, यानी कि पीछे से जब हम शुरू करते हैं तो दूसरा लेटर Y है और अगर आगे से शुरू करते हैं तो दूसरा लेटर B है। उसी तरफ से अगर हम दूसरा चेक करते हैं तो A जो है Z, यानी A एंड Z ये पहले लेटर हैं, उसके बाद D और W अगर देखते हैं तो ये चौथे लेटर हैं, ये आगे से चौथा लेटर है D और ये पीछे से चौथा लेटर है W। तो कुछ इस तरह का पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स का पेयर बन रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा अगर लाइफ के केस में भी इस तरह करेंगे तो ओ आर यू वी इस तरह का कोड बनेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको यहाँ पे एक वर्ड सीरीज दी है, एन पी ओ क्यू क्यू एस टी वी एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस केस में आपके यहाँ 4 ऑप्शन है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसका सोल्यूशन है, अगर देखेंगे तो N के बाद जब O आ रहा है तो इसमें सिर्फ एक लेटर के बाद O आ रहा है, मतलब N के बाद तुरंत O आ रहा है, उसके बाद O के बाद जब Q आ रहा है तो दो लेटर के बाद आ रहा है, यानी कि O P P के बाद Q आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का आगे इस तरह करते जाएंगे तो N O Q T और P Q S V ये दोनों ही अलग अलग होंगे। तो शुरुआत आप पहले इन दोनों को साथ लेके करिएगा, अगर साथ लेके ना मैच करें तो इन दोनों को अलग अलग लेके करिएगा। तो ये दो तरीके के इसमें वर्ड सीरीज आ सकती है। फिलहाल इसमें अलग अलग है एन ओ क्यू टी, तो एन ओ क्यू टी से रिलेटेड प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो एक्स आएगा और पी के केस में प्लस 4 अगर हम करेंगे तो जेड आएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एक्स एंड जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इन अ सर्टेन कोड पेजेस इज रिटन एज आर डी आई एच यू एंड राइट इज रिटन एज वाई यू के डब्ल्यू जी, हाउ विल अदर विल बी रिटन इन द सेम कोड। तो ये भी एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। तो अगर पेज को हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट को अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, तो अदर जो वर्ड है
उसको हम किस कोड में लिख सकते हैं। तो शुरुआत आप इस क्वेश्चन को करने की, सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एक तरफ पेज लिख दीजिए जो भी पहला चित दिया है, और उसके बगल में इस तरह आप लिख दीजिए। फिर आपको अल्फ़ाबेट ये जो आपने लिखा हुआ है इसको आप पेज को खोलिए और देखिए कि कितने लेटर के बाद ये मतलब ये आर आ रहा है, यानी कि पी दो लेटर के बाद आर आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो पी ये पी क्यू के बाद आर आ रहा है। उसके बाद अगर हम ए को देखते हैं और डी को मिलाते हैं तो ए वन है और जो डी है वो तीन लेटर के बाद, एक दो तीन लेटर के बाद डी आ रहा है, ठीक है। उसके फिर से अगर हम जी पे चलते हैं तो जी जो है जी और एच नहीं जी और आई आई है, तो अगर हम जी पे देखते हैं तो जी एक दो आई, तो ये दो तीन की ये सीरीज बनेगी। और इस तरह से आप अगर इसको देख लेंगे उसके बाद फिर इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये भी दो तीन की सीरीज़ बनेगी। तो अदर को भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये भी दो तीन की इस तरह के सीरीज़ बनेगी। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्यू डब्ल्यू जे एच टी होगा, तो ऑप्शन नंबर टू इज़ अ राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ऑड मैन आउट सीरीज। तो ऑड मैन आउट सीरीज का मतलब क्या होता है कि इसमें चार ऑप्शन आपके होते हैं और उनमें से तीन जो ऑप्शन होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी भी फील्ड में, और जो चौथा ऑप्शन होता है जो रॉन्ग ऑप्शन होता है तो वो ऑप्शन मैच नहीं करता है इन तीन ऑप्शन में से। तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला है प्लॉ हल चलाना, वीव बुनना, कल्टीवेट उगाना एंड रीप कटाई। तो प्लॉ कल्टीवेट एंड रीप ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं सिर्फ वीव को छोड़ के। तो वीव का मतलब होता है बुनना, तो ये सारी चीज़ें खेती से रिलेटेड हैं सिर्फ वीव को छोड़ के। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इफ 18514 स्टैंड फॉर अहीड ए एच ई ए डी देन 31385 स्टैंड फॉर। तो ये भी एक नंबर एंड वर्ड सीरीज आ गई, तो इसको आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह है। वन एक ए है यानी कि पहले स्थान पे ए आएगा, ओके। एट आठवें स्थान पे अगर आप गिन सकते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवें स्थान पे आपका एच है और पाँचवें स्थान पे आपका ई होगा और पहले स्थान फिर से एक है और फोर आपका डी है। उस तरह से अगर आप देखेंगे तो 31385 तो ये एक तरीके से एकदम बेसिक सीरीज सी हो गई है। तो थ्री को की जगह हम सी लिखेंगे, वन की जगह ए लिखेंगे, थ्री की जगह फिर हम सी लिखेंगे और एट की जगह एच लिखेंगे, फाइव की जगह हम ई लिखेंगे। तो ये बनेगा आपका कैच। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा इसमें आपको देखना होगा वर्ड आप देखिए कि कौन सा है। आप इसमें कैच टी वाला ना लगा दीजिएगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री। तो आपको अगर ये आपने अगर ये अपने नोटबुक जो भी आपको मिलेगा अगर आपने ये चीज़ लिख ली अपने इसमें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन। इफ डेयर इज कोडेड एज 1083 एंड फेट इज कोडेड एज 2093 देन फेयर इज कोडेड एज, आपके चार ऑप्शन हैं कुछ इस तरह, आप इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है डेयर डी ए आर ई, तो डी की जगह अगर हम वन लिख रहे हैं और ए की जगह हम जीरो लिख रहे हैं, आर की जगह एट लिख रहे हैं, ई की जगह थ्री लिख रहे हैं एंड एफ की जगह टू लिख रहे हैं, ए की जगह जीरो, देखिए ऊपर भी जीरो है ए की जगह, नीचे भी जीरो है एंड टी की जगह नाइन है, ई की जगह थ्री है। तो इन दोनों से आपको कोड लेना होता है और जो तीसरा जो आपके वर्ड है वो दिया हुआ है उसको कोड को आपको बनाना होता है। तो एफ कौन सा कोड था, एफ था आपका टू, तो यहाँ पर टू हो गया। उसके बाद ए कौन सा कोड था, ए आपका था जीरो, ऊपर भी जीरो है ये मतलब जीरो यानी ए का मतलब है जीरो, ठीक है, तो ये जीरो हो गया तो यहाँ पे आपका ए का जीरो। उसके बाद आर के लिए, आर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं आर के लिए ये हो गया एट, ठीक है, ये हो गया एट एंड ई के लिए आपका थ्री हो जाएगा, 2083 इसका कोड बनेगा, 2083 इज़ अ राइट आंसर। अब ये दो क्वेश्चन आपस में मिले हुए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द चॉइस विच कम्प्लीट द सीरीज। तो यहाँ पे आपको वर्ड सीरीज दी हुई है, तो जे एल एन पी आर टी क्वेश्चन मार्क है एन ए डी आई पी, ये दूसरा आपका वर्ड सीरीज है, आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, आप इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसका सोल्यूशन है जे एल, अगर इसको आप देखते हैं तो ये एक फिर से इसका यूज़ हो जाएगा आपका। तो अगर आप जे को देखेंगे जे के बाद एल कब आ रहा है, एक ये के बाद फिर एल आ रहा है, फिर एन आ रहा है, एक के बाद फिर एन आ रहा है, तो ये एक लेटर को छोड़ के ये सीरीज बन रही है।
तो जो नेक्स्ट सीरीज होगी टी की, एक वर्ड छोड़ के ये हो जाएगा वी, तो वी इसमें होगा इज अ राइट आंसर, वी इज अ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए डी आई पी। तो ए डी आई पी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ए के बाद आ रहा है डी, ठीक है, ए के बाद आ रहा है डी, यानी कि दो वर्ड छूटा, ठीक है। उसके बाद डी के बाद आ रहा है आई, तो यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है, तो यहाँ चार छूटा, ठीक है, आई। उसके बाद पी, आई के बाद आ रहा है पी, यानी कि ये एक दो तीन चार पाँच छः इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो दो का बन रहा है, चार का बन रहा है और छः का बन रहा है, तो एक तरीके से ये दो की टेबल की तरह आगे बढ़ रहा है। अब जो नेक्स्ट होगा वो एट लेटर के बाद आएगा, यानी कि अभी जो आया आपका पी, पी के बाद एट लेटर आगे बढ़ेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ के बाद आ रहा है ये वाई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है, तो प्लस 3 यानी कि ए से यहाँ जुड़ रहा है, मैंने इस तरह जोड़ा है, दो लेटर ऐसे जोड़ के जोड़ा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका दोनों केस में ही ऑप्शन सही होगा। तो ये 3 है, प्लस 3 यहाँ, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 है, तो ये एक ऑड सीरीज तरह बन रही है, मैंने इसमें 2, 4, 6 के केस की तरह बना दिया है, तो ये भी एक तरीके से सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू बॉयज अनिल एंड श्याम वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 3 किलोमीटर्स। अनिल इज वॉकिंग टूअर्ड ईस्ट, आफ्टर 3 किलोमीटर ईच बोथ टर्न राइट एंड अगेन वॉक 3 किलोमीटर ईच, बोथ कैलकुलेट एंड टर्न टू फेस ईच अदर इन विच डायरेक्शन श्याम इज लुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो लड़के हैं अनिल एंड श्याम, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं 3 किलोमीटर। अनिल इज वॉकिंग टूअर्ड ईस्ट, यानी अनिल जो है वो पूर्व की तरफ चल रहा है, एंड आफ्टर 3 किलोमीटर ईच बोथ टर्न राइट, और 3 किलोमीटर के बाद दोनों ही अपने राइट की तरफ मुड़ते हैं। जैसे कि अगर अनिल इस तरफ चल रहा है तो इसका जो राइट होगा वो इधर होगा, इस तरफ से देखेंगे तो इसका राइट ये होगा, ठीक है। तो उसके बाद एंड बोथ 3 किलोमीटर बोथ कैलकुलेट टर्न टू फेस ईच अदर इन विच डायरेक्शन श्याम इज लुकिंग, जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो श्याम किस तरफ देख रहा है, आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा श्याम चल रहा है इधर, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा पूर्व पश्चिम उत्तर ये दक्षिण, ठीक है, तो पूर्व की तरफ चल रहा है। अब अगर हम इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो पूर्व यानी ईस्ट की तरफ चल रहा है अनिल 3 किलोमीटर एंड अपोजिट चल रहा है श्याम 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर के बाद ये दोनों ही अपने राइट की तरफ टर्न लेते हैं, तो जब श्याम राइट की तरफ टर्न लेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब अनिल टर्न लेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद ये एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, जब फेस करेंगे तो श्याम किस तरफ देखेगा, श्याम देखेगा ये किधर, साउथ ईस्ट की तरफ देखेगा, यानी कि ये दिखेगा, ठीक है। तो आपको देखिए सारे डायरेक्शन भी नीचे हुए दिखे लिखे हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड उसके बाद नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो इस तरफ देख रहा है, तो इस तरफ देखने का मतलब है ये साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चन नंबर 10, विच डायरेक्शन इज अनिल लुकिंग, तो अब इसमें बताना है अनिल किस तरफ देख रहा है, तो अनिल किस तरफ देख रहा है, अनिल उस तरफ देख रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में देख रहा है अनिल, ठीक है। तो इस डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन है, इसमें अगर हम मैच करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये अनिल लुकिंग फॉर नॉर्थ वेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिक द राइट स्टेटमेंट आफ्टर गोइंग थ्रू क्वेश्चन नंबर 10, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड है और आपको चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, और स्टेटमेंट 1 है श्याम इज फार्दर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट देन अनिल, यानी श्याम जो है अनिल से ज़्यादा दूरी पर है, या फिर अनिल इज फार्दर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट देन श्याम, या कि अनिल जो है श्याम से ज़्यादा दूरी पर है, या फिर बोथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, या फिर नन ऑफ दिस, या तीनों में से कोई नहीं। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी होगी। मैथमेटिक्स लगाने के लिए जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया है, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के कितने डिस्टेंस पर है, तो आपको यहाँ से ये डिस्टेंस पता करनी होगी, ठीक है। जैसे कि शाम की डिस्टेंस ये पता करनी होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का यहाँ होगा,
तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस आपको निकालनी होगी एंड ये डिस्टेंस आपको निकालनी होगी अनिल के लिए। तो अब अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को निकालेंगे तो एक पाइथागोरस के थ्योरम से निकालेंगे, तो बोथ इक्विडिस्टेंस होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन तो 3 है, बोथ आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बट इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए इसको सॉल्व तो ऐसे किया गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लिया गया है तो अंडर रूट 18 आएगा। तो अंडर रूट 18 यानी कि यहाँ ये जो आएगा ये आएगा अंडर रूट 18, ठीक है, ये अंडर रूट 18 आएगा और ये भी अंडर रूट 18 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसीलिए ये दोनों ही जो अनिल एंड श्याम है ये दोनों इक्विडिस्टेंस में हो गए, यानी दोनों ही बराबर स्थिति में होंगे, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम समझनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से आप सभी को बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको डिटेल एकदम अच्छे से बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वर्ड्स आर गिवेन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ ब्लैंक इन बिटवीन, सिलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवेन विच इज़ मोस्ट रेलेवेंट टू टू गिवेन वर्ड्स। तो आपको दो वर्ड्स दिए होंगे, उनके बीच में आपको इन्हीं दो वर्ड्स से रिलेटेड एक रेलेवेंट यानी कि इसी से मैच करता हुआ ये वर्ड आपको ढूंढना होगा इन चार ऑप्शन में थे। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल जो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 का, वो होगा फाइन। इसका मतलब है कि नाइस का मतलब होता है प्लीजेंट, ओके, काइंड एंड फाइन, एंड पनिश का मतलब जो होता है वो होता है सफ़र यानी कि इम्पोजिंग फाइन। ये दोनों ही जो वर्ड हैं ये फाइन से रिलेटेड हैं, बाकी गुड क्लीन एंड टाइम ये सारी चीज़ें हैं ये जो हैं इन दोनों से रिलेटेड नहीं लग रही हैं, सिर्फ फाइन जो वर्ड है वही क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड है। उसके बाद है न्यू एंड टेल, तो न्यू एंड टेल जो है वो नॉवल से रिलेटेड होता है, जैसे कि कोई भी उपन्यास लिखा होता है तो टेल जो शब्द है वो उपन्यास से रिलेटेड ही कहा जाता है, जैसे कोई समाचार लेखा या फिर कोई नया उपन्यास कोई किसी ने लिखा है तो उससे रिलेटेड जो वर्ड होता है वो टेल इसके लिए कहते हैं। तो फ्रेश तो इसे हो नहीं सकता, रिन्यू भी इसमें नहीं है, ओल्ड ये भी नहीं होगा, सिर्फ नॉवेल जो होगा वही रेलेवेंट वर्ड होगा इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सही। इस तरह कट एंड ओपनिंग, तो कट ओपनिंग के लिए भी शार्प होता है, बाकी स्लिट गेट एंड इनएक्यूरेट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहे हैं, सिर्फ शार्प जो होगा वही कट एंड ओपनिंग करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा शार्प। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आगे के इसके 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आराम से इसको बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।